नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के साथ 677वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि आसानी से अंग्रेजी कैसे पढ़ा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल में देखा कि बहुत सारे वर्ड मीनिंग के बगल में जो है हिंदी लिखी हुई है। अगर आप पढ़ना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो और आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिले। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। साथ ही हमारा ऐप है प्ले स्टोर से, इसको डाउनलोड करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात मैं करूँगा अल्फ़ाबेट के बारे में, उसके बाद वर्णमाला के बारे में। तो अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, अगर आपको पता तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं यहाँ बता रहा हूँ दोस्तों कि ABCD जो 26 लेटर होते हैं, यह दोस्तों 26 लेटर वाले जो ABCD होते हैं उसको ही अल्फ़ाबेट नाम दिया गया। लेकिन बहुत लोग कम इसका अल्फ़ाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो ABCD बोलते हैं। इसमें AEIO और U, ये पाँच हमारा जो है वोवेल पार्ट है, और इसी पे जो है सारे के सारे वर्ड मीनिंग जो है उच्चारण किए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत होती है, अंग्रेजी पढ़ते समय अटकते हैं या अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इसका ये मेन कारण है कि वोवेल का उच्चारण आप नहीं जानते हैं, जो कि 4 से 5 तरह से उच्चारण होता है। आप एक भले ही एक EIOU यानी एक तरह से उच्चारण जानते हैं, लेकिन और नहीं जानते, इसी वजह से ये सब समस्या हो रही है। जो बसता है अल्फ़ाबेट में 21, वो हमारा है कॉन्सोनेंट। जी हाँ दोस्तों, कॉन्सोनेंट का उच्चारण मैक्सिमम लोग जानते हैं। दूसरी बात की वर्णमाला, तो वर्णमाला देखिए 50 हो जाएगा, लेकिन ये अलग अलग सेपरेट है। जैसे स्वर जो है 14 है एकदम सेपरेट है, व्यंजन जो है 36 एकदम सेपरेट है। इसमें जो 14 स्वर है उसका अंग्रेजी याद करना होगा, जो व्यंजन है उसका इंग्लिश याद करना होगा, तभी आप किसी भी शब्द को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना, अंग्रेजी में, हिंदी से अंग्रेजी करते समय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कॉन्सोनेंट की बात करते हैं। कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, अभी आप अच्छी तरह जान गए होंगे कि अल्फ़ाबेट से अगर AEIO और U, जी हाँ दोस्तों, इसको निकाल दिया जाए तो बस जो बचेगा वो सारे क्या कहलाएंगे, कॉन्सोनेंट कहलाएंगे, या कॉन्सोनेंट बोला जाता है। अब इसमें B को क्या बुलाते हैं, सभी को जानते हैं, B को ब बोलते हैं, C को क श बोलते हैं, D को ड द बोलते हैं, ज भी बोलते हैं, F को फ बोलते हैं, G को ग ज बोलते हैं, तो यहाँ भी जी आ गया, ज आ गया, एच को ह बोलते हैं, के ज को जे, तो देखिए तीन जगह जो हो गया, के को क्या बोलते होते, के से क होता है, सी से भी क होता है, एल से ला, एम से म, एन से नाना, पी से प होता है। उसके बाद तो क्यू से क्यू, आर से र, ड, एस से स, ज, तो यहाँ भी ज हो गया, तो चार तरह से ज का उच्चारण होता है। अब देखिए टी से ट तो होता है, लेकिन च स लोग नहीं उच्चारण कर पाते हैं, एक्चुअली जानते भी नहीं कि टी से च और श भी होता है। अब ये च स कहाँ होता है, तो TURE को बोलते हैं चर, और TUL को बोलते हैं चुअल, है ना, तो चर और चुअल, ये बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको समझना होगा। यहाँ चर, यहाँ चुअल, ये सफिक्स वर्ड है, किसी वर्ड के अंत में लगता है, तो एकदम ऐसे ही याद कर लीजिए। दूसरा TION को बोलते हैं शन, और TIAL को बोलते हैं CL, तो ये जो है CL और जो है उसके बाद शन, ये दोनों जो है आप अच्छे तरह से याद रखें, तभी आप कर पाएंगे। एक वर्ड ले लेंगे, लेकिन उसके पहले आगे बढ़ जाते हैं। भी से वह होता है, W से वह होता है, यानी वह के लिए भी और वह के लिए W भी होता है। अब X को X बोलते हैं, लेकिन जब अंग्रेजी के आप शब्द देखेंगे, वर्ड देखेंगे, तो वहाँ X से ही वर्ड नहीं आएंगे, X की जगह EX रहता है। इस तरह से इसको भी X ही पढ़ते हैं, जैसे एग्जिट, एग्जाइल, एग्जीबिशन, है ना, इस तरह के वर्ड बन जाएंगे। या ऐसे ही X भी होगा, जैसे ज़ाइलोफोन, एक्स से तो कम, EX से ज़्यादा आपको मिल जाएंगे। य से वाई से य, जेड से ज, ज आदि बोला जाता है। अब बताइए कि PATIENT इसे क्या पढ़ते हैं। अगर आपने यहाँ कुछ सीखा, इस स्लाइड में सीखा, तो आप इसे पढ़ पाएंगे। अगर दम नहीं जानते हैं तो मैं सिर्फ, मेरे कहने का यह मतलब है कि यहाँ पर टी का उच्चारण आप बताइए, एक्चुअली ये क्या है। अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ, लेकिन अगर जानते हैं आप तो ज़रूर बताइए कि हाँ इसे क्या बोलते हैं। तो देखिए ये पेशेंट लिखा हुआ, पेशेंट जो लिखा हुआ, इसमें आप सोचेंगे पेशेंट, पेशेंट ऐसे लिख रहे हैं, पे, चलिए इस तरह से लिखते हैं पेशेंट, है ना, पेश ये आधा ना कर लेते हैं, पेशेंट। तो पेशेंट में अब बताइए ये श कहाँ से आ गया। यहाँ जब देख रहे हैं स्पेलिंग PATIENT, तो पेशेंट में कहाँ था, टी से ट तो होता है, लेकिन यहाँ टी से ट नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा भाई, स हो रहा है, से हो रहा है। तो यही है दोस्तों, क्योंकि TI से यहाँ देखिए स हो गया, TI से यहाँ भी देखिए स हो गया, सनशियल, हाँ। तो चले आगे बढ़ते हैं,
हाँ दोस्तों, ये देखिए भोवेल जो हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए और इसका उच्चारण जानना बहुत जरूरी है। जैसे ए को तो क्या आप पढ़ते हैं, ए, तो देखिए ए को ए लिखा हुआ है, लेकिन ए के अलावा ए को आ ए भी बोलते हैं ना। ई को क्या बोलते हैं, ई को तो ये हम लोग पढ़ते हैं ना, और यहाँ पर आप देखेंगे छोटी ई बड़ी दोनों दो तरह से ई हो जाते हैं, लेकिन इसके अलावा और ए भी होता है। आई को क्या पढ़ते हैं, आई ही पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा क्या होगा दोस्तों, आई तो पढ़ ही रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है दोस्तों, ओ को क्या पढ़ रहे हैं, तो ओ को तो वो पढ़ते ही हैं, लेकिन इसके अलावा आ ऊ भी होता है। यू को क्या पढ़ते हैं, यू, लेकिन इसके अलावा आ ऊ भी होता है। और डबल ओ क्या पढ़ते हैं, तो डबल ओ को दोस्तों बड़ी ऊ डबल ओ है, यानी ऊ को तो ऊ ही पढ़ेंगे, लेकिन इसके अलावा आ ओ और ऊ भी होता है। अब दोस्तों एक वर्ड लेते हैं, रिमेम्बर, नाम तो आपने सुना ही होगा, रिमेम्बर है ना, इसलिए मैंने यहाँ लिया रिमेम्बर, ताकि आप अच्छे समझ पाए कि क्या हो रहा है, इसमें क्या समझना है। जैसे वो इसमें तीन ई है ना, एक दो और तीन, तीनों ई जो है, एक्चुअली एक ई जो है आपका, तो ई एक ही है ना, लेकिन तीन जगह लिखा हुआ है रिमेम्बर, ये वोवेल्स है, लेकिन अलग अलग तरह से इसी में उच्चारण हो जाएंगे। कैसे, तो पहला ई जो है वो चोटी के रूप में, दूसरा ई जो है ए के रूप में, तीसरा ई जो है आ के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। अब देखें कि इसको रिमेम्बर कैसे लिखते थे, आर है ना, री मेम मेम, और ये हो गया बर, रिमेम्बर, क्या हो गया रिमेम्बर। तो चले आगे बढ़ते हैं, रिमेम्बर। तो ये है, अब व्यंजन के बारे में बात करते हैं। व्यंजन दोस्तों जो क ख आप देख रहे हैं इसे व्यंजन कहते हैं, हालांकि इसका उच्चारण हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये जो है आधा आधा क का उच्चारण कैसे आप करेंगे, पर जो जानकार है हिंदी में बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, पर जो विद्वान है वही बता पाएंगे कि रिमे व्यंजन का उच्चारण कैसे होता है। दूसरी बात कि स्वर का आप कर सकते हैं। अब ये जो व्यंजन है, अगर ये जो हम लोग पढ़ते हैं क्या करेंगे, क, अब इसको क पढ़ देंगे तो जाहिर सी बात ये क नहीं, यार ये व्यंजन है, आधा क है, उच्चारण नहीं हो पाएगा, लेकिन ये क पूरा है, यानी हमारा अक्षर है। तो ये कैसे लिखा गया, तो मान लीजिए क प्लस अ करते हैं ना, तब ये हमारा बनता है क, है ना, ये क। तो व्यंजन में स्वर को जोड़ दीजिए, व्यंजन में स्वर को जोड़ दीजिए, संख्या कितनी है, 14 है, इन दोनों को मिला क्या बनता है, अक्षर, क्या बनता है, अक्षर बनता है। और अक्षर में अक्षर को जोड़ दीजिए, ठीक है, अक्षर में अक्षर को जोड़ दीजिए, तो क्या बनता है, शब्द, क्या बनता है, शब्द, शब्द में शब्द को जोड़ दीजिए, तो क्या बनता है, वाक्य, ठीक है, वाक्य बनता है। तो इस तरह से दोस्तों आप कोई भी चीज़ को सीख सकते हैं। तो चलिए याद कर लीजिए, ये जो क है, क तो आप समझ चुके, क है, मान लीजिए कि यहाँ पर आ रहता है, क व्यंजन है, ये स्वर है आ, तो क्या होता है, का। अगर ओ रहता तो बस क्या हो जाता, को। तो इस तरह से बदलते जाते हैं, इसी नाम लिखे जाते हैं, है ना। तो याद कर लीजिए, क से के, ख से केज, ग से जी, घ से जी एच, एन अंग का एन जी, तो इसे याद रखिए, च से सी एच, छ से सी डबल एच, ज से जे, झ से जे एच, ई से वाई एन। अब देखिए, ट से टी, ठ से टी एच, ड से डी, ढ से डी एच, ण से एन, त से टी, थ से टी एच, द से डी, ध से डी एच, और एन से ना, है ना, थोड़ी न से एन, प से पी, फ से पी एच, ब से बी, भ से बी एच, और एम से मा। तो ये जो तीनों हैं दोस्तों आपको याद रखने होंगे अच्छे तरह से यहाँ तक। और दूसरी, वाई से, य से वाई, र से रस है ना, र से आर, ल से एल, व से वी डब्ल्यू, ताला ब से एच, मधन से एच, दन से ह एस, ह से एच, अक्ष से के से, त्र से टी आर, ज्ञ से जी वाई। तो ये जो है दोस्तों हमेशा आपको याद रखने होंगे, है ना, याद रखने, क्योंकि लोग भूल जाते हैं। अब देखिए, हर एक दूसरा कॉलम और चौथा में एच जुड़ जा रहा है ना, एच एच, तो यहाँ से देखेंगे आप, एच वाला जुड़ जा रहा है, यहाँ भी एच वाला जुड़ जा रहा है, उसी तरह यहाँ भी एच वाला जुड़ जा रहा है, पहले के साथ एच जुड़ जाता है, और तीसरे के साथ भी एच जुड़ जा रहा है, तो चौथा आ जा रहा है। इसका अच्छे से याद रखिए, तभी आप नाम पढ़ पाए, क्योंकि जब टेक्स्ट पढ़ेंगे तो बहुत सारे वर्ड जब हिंदी के अंग्रेजी कर दिए जाते हैं, जब मान लीजिए कि नाम लिखा होगा छत्तीसगढ़, अब पढ़ने ही नहीं आएगा, छत्तीसगढ़ लिखने नहीं आया, बोली छत्तीसगढ़ लिखना,
व्यंजन को स्वर में मिलाकर ही तो लिखेंगे। तो चलिए स्वर पे जानते हैं आते हैं। और देखिए वर्णमाला का जो पहला पाठी स्वर होता है, हालांकि मैंने बाद में लिखा इसे, तो चलिए 14 होते। कौन कौन सा होता है? अ आ ई उ री री। तो देखिए ह्रस्व है दीर्घ, ह्रस्व ही दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व री दीर्घ री। इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा? तो अ का ए, आ का डबल ए, हल्के सिंगल ए ज़्यादा होता है, छोटी का आई, बड़ी का डबल ई, बड़ी छोटी यू का यू, बड़ी यू का डबल ओ, री का आर ई, बड़ी री का आर डबल यू। देख नेक्स्ट है जो है ना ए, ए से देखिए ये ध्यान दीजिएगा कि मैक्सिमम लोग जो है 13 ही बताते हैं, मैं 14 मैंने बताया है, तो याद रखिएगा आई डबल ई यू डबल ओ आर आई और आर डबल यू। ए का क्या होगा? ई होगा। ए का क्या होगा? ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन, अ का एच। तो ये तीन का यूज भी आपको सीखना होगा, तीन लोग हमेशा मिक्स करके भूल जाते हैं, तो याद रखना होगा औ अन अह, है ना। जैसे मान लीजिए लिखा मैं लिख रहा हूँ माँ, अब भाई माँ तो लोग सिंपल में ऐसे लिखते हैं माँ, है ना, लेकिन अगर एक्यूरेट की बात की जाए तो माँ ऐसे लिखा जाएगा। माँ तो है, माँ के लिए माँ और ए के लिए ए, एम सॉरी माँ के लिए एम और आ के लिए ए या अ, है ना, सिंगल ए यहाँ लिया गया तो माँ हो गया ना। माँ प्लस देखिए माँ हलंत हो गया, ये व्यंजन है हमारा और ये हो गया हमारा स्वर माँ, तो ये हो गया माँ, है ना। लेकिन चूंकि चंद्रबिंदु भी लगता है तो वो भी तो लगाना है ना, तो चंद्रबिंदु के लिए अब बताइए बात देना होगा। तो अन होता है, ये चंद्रबिंदु वाला अन है, तो एन करते हैं तो दोनों का कॉमा ले लेते हैं और क्या करते हैं एम ए ए एन, ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन ऐसे लिखने पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो कितने लोग डबल ए लगते हैं, किसी में सिंगल ए लगते हैं, लेकिन एक्चुअल होगा तो ऐसे ही ना। तो चलिए आपको थोड़ा सा हिंदी के, मैं को बता रहा, हिंदी के नाम लिखने में, हिंदी से अंग्रेजी करने में थोड़ा सा जो है लिबर्टी ली जाती है, ताकि लोग समझ सकें। इस बात का ध्यान दिया जाता है, उच्चारण के अनुसार नहीं, बल्कि थोड़ा सा समझने के लिए भी छोड़ दिया जाता है कि भाई समझिए क्या लिखा हुआ। अब ऐसे मान हो जाता है ना, तो माँ के लिए एम ए, है ना, लेकिन लिखा जाता है। अब जैसे मान लीजिए कुआँ लिखना है, तो यही मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ आपको। कुआँ ऐसे लिखते हैं कुआँ, तो क्या लिखा है अंग्रेजी होगा के यू, तो आ है आ कुआँ, इसी के ऊपर बिंदी भी है, है ना, तो क्या हो जाएगा ए एन। अब बताइए एन से तो, एन से तो सिर्फ एन से ये हो गया, तो आ का कहाँ गया, तो यही जो ए है और यहाँ यहाँ डबल ए है, तो कॉमन बन के एक ही ये हो गया, तो ऐसे लिखा जाता है कुआँ कुआँ, है ना। और तो ये चीज़ समझने का है, थोड़ा समझना ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों जिनको देखिए, तो दोस्तों जिनको नहीं पढ़ने आएगा तो वो हमारे साथ पढ़ेंगे कि कैसे पढ़ा जाता है, तभी आप पढ़ने आ जाएगा, इतना सारा वर्ड्स आपके दिमाग में जल्दी जल्दी चढ़ने लगेगा। दोस्तों ये है ग्लूकिड, है ना, सी एच को यहाँ पर क पढ़ा गया है, है ना, तो ग्लूकिड। अब मैं तेज़ी पढ़ता हूँ, बाद में आराम से आने वाले दो स्लाइड के बाद जो है तोड़ तोड़ के बताऊँ कैसे पढ़ा गया है। ग्लोमेरा, तेज़ी से पढ़ेंगे हमारे साथ, ग्लोम्ड है, ग्लोमेड ग्लोमेड, ग्लोनोइन ग्लोनोइन, ग्लूम्ड ग्लोब्ड, है ना, ग्लोब्ड, ग्लोरियस ग्लोरियाज ग्लोरियाज, ग्लोरियड ग्लोरीज, ग्लोरीफाई ग्लोशाई ग्लोशाई, ग्लिटर ग्लिजेस, ग्लोएटेड ग्लोएटर, ग्लोविट ग्लोविंग, ग्लोविंस ग्लोवॉइड, ग्लोबोस ग्लोबस, ग्लोब्यूल ग्लिवर, ग्लीडर्स ग्लीडिंग ग्लीविंग, ग्लिमर ग्लिम्प्स ग्लिम्प्स, है ना, ग्लिंटेड ग्लियोमस, ग्लीशन ग्लीशन, है ना, ग्लीशन, जैसे लीशन में जी लग गया है लीशन, ऐसे एल आई टी आई एल आई एस टी एन को लीशन बोलते हैं, तो ग्लीशन ग्लिस्टर और ग्लीची। चलिए दूसरे में चलते हैं और दूसरा लाइट देखिए, ग्लाशल, लोग ग्लो भी पढ़ते हैं ग्लो, लेकिन ग्लाशल, चलो चल ग्लाशल ग्लाशल, है ना, ग्लाशस
ग्लास्ड, ग्लाशर, ग्लूसे, ग्लासेस, ग्लूटा, ग्लोटिक, ग्लोटिस, ग्लाउटेड, ग्लाउटेड है ना, ग्लाउटेड, ग्लोवर्स, ग्लोविंग। नेक्स्ट है ग्लोवर्स, ग्लो फ्लाई, ग्लोविंग, ग्लोजिंग, ग्लूकेन्स, ग्लूकोज, ग्लूइंग, ग्लूपोर्ट, ग्लूग्ड, ग्लूइस्ट, ग्लमर, ग्लूटेल, ग्लूटेन्स, ग्लूटस, ग्लूटेड, ग्लूटन, ग्लाइकेन्स, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन्स, ग्लाइकोल्स, उसके बाद ग्लाइसिल्स, ग्लाइफिक। दोस्तों ये है पढ़ने का तरीका। और सबसे पहले दोस्तों कि अगर आप हमारे वीडियो को डे वन से देखना चाहते हैं तो ओमनी सेंड इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में टाइप कीजिए, गूगल में टाइप कीजिए, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। दोस्तों वीडियो की संख्या हो गई है 864, ये वीडियो की संख्या बढ़ रही है अगर आप ये वीडियो लेट से देख रहे हैं। देखिए अगर आपको पढ़ने नहीं आता तो इतने सारे वीडियोस पहले से है कि आप पढ़ना सीख ही जाएंगे, 100% गारंटी है। इनको लिखने नहीं आता है, ग्रामेटिकल लिखना चाहते हैं वो भी लिखना सीखिए, क्योंकि सारे के सारे रूल रेगुलेशन जो ग्रामर से बुक के हैं वो सारे सेंटेंस सेट कर दिए गए हैं। और जब लिखने आएगा तो बोलने भी तो आएगा, लेकिन प्रैक्टिस आप ही को करना है, मेहनत आप ही को करना है, क्योंकि यहाँ सिर्फ तो गाइड ही किया जा रहा है। दोस्तों आप ही को मेहनत करना। अगर मान लीजिए कि मैं बता दिया और मैंने बताया और आपने उसको यूज़ ही में नहीं लाया तो कैसे सीख पाए, इसलिए यूज़ में लाइए। दोस्तों सब कुछ एक बीते जैसे ना तो ग्रामर्स की बुक लेना, ना ही डिक्शनरी खरीदना। दोस्तों क्योंकि डिक्शनरी के लिए डेली यूज वाले वर्ड, बेसिक वर्ड्स के भी वीडियोज पहले से ही अवेलेबल है। दोस्तों तो जैसे यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हैं तो आप करना क्या है कि कॉपी पर आपको सारे के सारे लिख लेना है, एक कॉपी कलम ही रख जरूरत है। दोस्तों लिखिए, अगर सीखना है तो लिखिए। जी दोस्तों तो चलिए ये देखिए, ये टेक्स्ट आ रहा है हमारे स्लाइड पर और इस टेक्स्ट, ये टेक्स्ट जो एनसीईआरटी की बुक से मैंने लिया है। और देखिए इसमें तरह तरह के एक्चुअली स्टैंडर्ड वर्ड्स मिल जाते हैं, यानी कि जो ऐसे ही माना जाता है कि एनसीईआरटी की बुक जो है स्टैंडर्ड बुक्स ही होता है, तो इसमें वर्ड्स बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर इस तरह के अंग्रेजी आप पढ़ लेते हैं फर्राटे में तो कितना ईजी हो जाएगा। तो पहले मैं आज बहुत दिनों के बाद एक बार तेज़ी से पढ़ के बताऊँगा, उसके बाद मैं तोड़कर वैसे पढ़ूँगा तो वहाँ पर समझ में आएगा। दूसरी बात दोस्तों, जब वर्ड्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मैं वर्ड्स के बारे में बताता हूँ कि वर्ड्स में ऐसा कुछ ऐसा चीज़ होता है, कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि बार बार अनेकों बार अलग अलग वर्ड मीनिंग में भी, अलग अलग वर्ड्स में भी वो पार्ट रिपीट होते रहते हैं। उन पार्ट को पकड़ना, अगर उन पार्ट को पकड़ लेते हैं ना तो समझिए कि उस तरह के बहुत सारे पार्ट को पकड़ लेंगे। तो चलिए उन पार्ट्स को पकड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं पढ़ूंगा, अब देखें कितना टाइम लगता है। तो 18 मिनट और ये 10 सेकंड हो जाने का मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो द नेशनल हाईवेज आर द इनएडुकेट टू, मोर ओवर द रोडवेज आर हाईली कंजेस्टेड इन सिटीज एंड मोस्ट ऑफ द ब्रिजेज एंड कलवर्ट्स आर ओल्ड एंड नैरो। हाउएवर इन रिसेंट ईयर्स फास्ट डेवलपमेंट फॉर रोड नेटवर्क हैज टेकन प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्राइट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया। रेलवेज ऑल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर पीपल टू कंडक्ट मल्टीफेरियस एक्टिविटीज लाइक बिजनेस, साइट सींग, पिलग्रिमेज, अलॉन्ग विद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेज। अपार्ट फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, द इंडियन रेलवेज हैव बीन अ ग्रेट इंटीग्रेटिंग फोर्स फॉर मोर देन 150 ईयर्स। रेलवे इन इंडिया विंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री एज वेल एज एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। तो दोस्तों 1 मिनट 5 सेकंड में ये जो है पढ़ दिया गया, 1 मिनट 5 सेकंड में ये जो है टेक्स्ट को पढ़ दिया गया। लेकिन जब जिनको नहीं पढ़ने आता अगर उनसे पढ़ने को कहा जाए ना तो बस घंटों लग सकता है, या ढेर सी बात है, अटक जाएंगे, रुकेंगे, अटकने के बाद पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो मैं वो तरीका को सीख लीजिए कि हर एक वर्ड्स के साथ रिपीट होंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ, देखिए ये क्या लिखा हुआ, द नेशन, ने टी एन ए के ने हो गया, टी आई एन को शन बोलते हैं, एल को अल बोलते हैं, तो हो गया नेशनल हाई वेज, ए वाई को ए बोलते हैं, डब्ल्यू का द वे हो गया हाई वेज, आई का उच्चारण यहाँ पर आई के रूप में हुआ इसलिए हाई वेज आर
इनएडिक्वेट टू मोर ओवर, मोर ई आर को अर बोलते हैं, भी लगा तो वर हो गया, मोर ओवर द रोडवेज आर हाईली, है ना, हाईली कंजेस्टेड, टी डी को याद कीजिए टेड, कन को भी याद कीजिए प्रीफिक्स वर्ड है, और वहाँ पर रिपीट होते हैं तो कंजेस्टेड एंड सिटीज, आई एस को इज बोलते हैं तो सिटीज एंड मोस्ट ऑफ द ब्रिजेज, तो क्या है ब्रिजेज, इसमें डी जो है साइलेंट है, ब्रिजेज हो गया, एंड कलवर्ट्स, कलवर्ट्स यू का उच्चारण यहाँ के रूप में हुआ है, आर ओल्ड एंड नैरो, नैरो है ना, हाउ एवर इन रीसेंट, ई एन टी को बोलते हैं एंड, सी लगा तो सेंट हो गया, ईयर्स फास्ट डेवलपमेंट, ई एन टी को बोलते हैं एंड, ऑफ रोड नेटवर्क्स हैज टेकन, ई एन को एन बोलेंगे, टेकन प्लेस, ए के बाद ई आया तो सी प्लेस हो गया, इन डिफरेंट डिफरेंट, ई एन टी को बोलते हैं एंड, तो रेंट हो गया, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, टी आई एन को बोलते हैं शन, फोर फ्राइट, आई जी एस टी को बोलते हैं आइट, एंड पैसेंजर्स इन इंडिया रेलवेज ऑल्सो मेक, एक के बाद ये आया तो मेक हो गया इट पॉसिबल, आई वी एल ई को बोलते हैं इवल, तो पॉसिबल फॉर पीपल टू, देखिए सी यू एन को कन बोलते आता है बार बार, यू का उच्चारण यहाँ के रूप में हुआ, द कंडक्ट मल्टी पेरियस, ओ यू एस को अस बोल रहे हैं, एक्टी एक्टिविटीज, आई एस को इज बोलते हैं, लाइक बिजीनेस, ई डबल एस को एस नेस ले आओगे एन लगा तो, ये को साइट सीइंग, आई एन जी इंग सी इंग साइट सीइंग, आई जी एस टी को आइट बोलते हैं, एफ लग अगर एस के जगह फाइट, एफ करते फाइट, एल करते लाइट, एम करते माइट, आर करते राइट, बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं, तो साइट सीइंग, पिलग्रिमेज, एक के बाद ये आई पिलग्रिमेज अलॉन्ग विद ट्रांसपोर्टेशन, टी आई एन को बोलते हैं सन ऑफ गुड्स ओवर, ई आर को आर बोलते हैं, वी लगा वर ओवर, ई आर को आर लॉन्गर डिस्टेंस, ए एन सी को एंस पढ़ते हैं, डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम एंड इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, द इंडियन रेलवेज हैव बीन ए ग्रेट इंटेग्रेटिंग फोर्स फॉर मोर देन 150 ईयर्स, रेलवेज इन इंडिया है ना बाइंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री एज वेल एज एक्सेलरेट, एक के बाद ये आया द एक्सेलरेट द डेवलपमेंट, ई एन टी को एंट बोलते हैं लगा तो मेंट सेंट रेंट लेंट बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं एंट से, ऑफ द इंडस इंडस्ट्री टी आर वाई ट्री एंड एग्री एग्रीकल्चर टी आई यू को चर बोलते हैं तो एग्रीकल्चर, तो सो इस तरह से जो आप मैंने सर्कल किया उस सर्कल वाले वर्ड्स को देख लीजिए और सर्कल को याद कर लीजिए, जो सफिक्स है प्रीफिक्स है बहुत ही काम के है। बाद में दोस्तों आपको देखिए मैं यहाँ बताऊँगा फिर से, तो ये देखिए जो कैसे तोड़ के पढ़ा जाता है यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे ग्लोकिड सी एच को जो है का पढ़ा गया तो ग्लोकिड हो जाएगा, हालांकि यहाँ मैंने चल दिया है तो ग्लोकिड कर लीजिए, ग्लोमेरा है ना, ग्लोम्ड ग्लोम्ड हो जाएगा, फिर ग्लोनोइन ग्लूम्ड, नेक्स्ट है ग्लोब्ड, नेक्स्ट है ग्लोरियाज, नेक्स्ट है ग्लोरीएड, नेक्स्ट तो ये है ग्लोरीज, जिसमें आई एस को इज बोलते हैं, ई डी को एड बोलते हैं, तो ये सब ध्यान देना होगा, ग्लोरीफाई ग्लो देखिए ग्लोसे 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 ऐसे लिख लीजिए ए आई इस तरह से लिखिए तो ग्लोशाई पढ़िए और अच्छा से क्लियर हो जाए, ग्लोशाई ई को यहाँ पर ए पढ़ा गया है, नेक्स्ट है ग्लिटर ई आर को आर पढ़ते हैं तो ग्लिटर हो गया, ग्लिटजेस है ना ग्लिटजेस, ग्लोएटेड टी ई डी को बोलते हैं टेड तो ग्लोएटेड ग्लोएटेड, ग्लोएटर ई आर को आर बोलते हैं टी लगा तो टर ग्लोएटर, ग्लोबेट ए के बाद ई आया ऐसे बी ए टी बेट होता है, ई जैसे होता बेट हो गया तो ग्लोबेट, फिर ग्लोविंग आई एन जी को इंग बोलते हैं तो बी लगा तो विंग ग्लोबिंग, ग्लोबिन्स ग्लोवॉयड, फिर देखिए ग्लोबोस ग्लोबॉस ग्लोबस ओ यू एस को बोलते हैं अस, क्या बोलते हैं ओ यू एस को अस बोलते तो ग्लोबस, ग्लोब्यूल, नेक्स्ट है ग्लीवर ई आर को बोलते हैं ग्लीवर,
ग्लीडर्स, यही ई आर के पहले डी लगा तो डर हो गया, एस भी लग गया तो ग्लीडर्स हो गया, ग्लीडिंग, ग्लीडिंग है ना, ग्लीडिंग। नेक्स्ट है ग्लीमिंग, नेक्स्ट है ग्लीमर, नेक्स्ट ग्लिम्प्स, ग्लिम्प्स, ग्लिंटेड, टी डी को याद कीजिए, टेड याद कीजिए, ग्लियोमास, ग्लियोमास, ग्लीसन, नेक्स्ट है ग्लिस्टर, नेक्स्ट है ग्लिची। चलिए दूसरे तरफ देखते हैं, और ये देखिए ग्लोशल, तो ग्लाशल पढ़ते हैं इसे, ग्लोशल नहीं ग्लाशल, ग्लाश, ग्लाशस, ग्ला, ग्लाज, ग्लाश है ना, ग्लाश, ग्लासेस, ग्लोटा। नेक्स्ट है ग्लॉटिक, ग्लॉटेस, ग्लाउटेड, ग्लोवर्स, ग्लोविंग, आई एन जी को बोलते हैं तो ग्लोविंग हो गया, ग्लोवर्स, ग्लोफ, ग्लोफ फ्लाई, ग्लोइंग, ग्लोजिंग, ग्लूकैंस, ग्लूकोज, ग्लूइंग, ग्लूपोर्ट, जैसे ग्लूपोर्ट का ग्लज्ड, ग्लूड है, ग्लूड, ग्लूड। नेक्स्ट है ग्लूएस्ट, ग्लूएस्ट, नेक्स्ट है ग्लमर है ना, ग्लमर हो जाएगा ये तो ग्लमर। अब चलिए आगे देखते हैं, ग्लूटिल, ग्लूटिल, ग्लूटेंस, ग्लू, ग्लूटेस, ग्लूटेड, ग्लूटन। अब ये है ग्लाइकेंस, ग्लाइसिन, ग्लाइसेंस, ग्लाइकोज, ग्लाइसिल्स, और ये लास्ट है ग्लाइफिक। तो दोस्तों इस तरह से आप कोई भी वर्ड्स को तोड़ कर पढ़ सकते हैं। अगर कोई परेशानी है तो वीडियो को पीछे से करके देखिए, और कॉपी पे दो चार वर्ड जरूर लिखिए, सिर्फ आवाज़ सुनकर कि क्या आप उसका स्पेलिंग लिख पा रहे हैं। अगर लिख पा रहे तो यानी कि वर्ड का जो स्पेलिंग वो भी याद हो जा रहा है, और पढ़ भी आप आसानी से ही लेंगे। अब दोस्तों देखिए, आपके दिमाग में हमेशा ये वॉवेल्स रहना चाहिए याद। उसके लिए तरीका यही याद करने का कि सभी वॉवेल में देखिए अ आ तो आता ही है, तो एक ये बात है, पाँच में से चार में से तीन दो तो हो ही गया, ई आई में भी दो दो बढ़ा लीजिए तो ये पाँच में से चार चार यहाँ हो गया, और ओ यू डबल ओ में जो है बढ़ा लीजिए यू यू, तो यहाँ भी चार में से तीन तीन हो गया। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे कोई भी वर्ड्स को पढ़ सकते हैं, बाकी तो जो बोला जाता है वहाँ यहाँ लास्ट में लिखा ही है दोस्तों, जी हाँ। तो चलें आगे बढ़ते हैं, और देखिए करना प्रैक्टिस ये है कि पुराने वर्ड में निकले, जैसे ए से लिया मैंने, ई से लिया, आई से लिया है ना, ओ से लिया और यू से लिया, डबल ओ से लिया। अब याद रखेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कॉपी पे लिख लीजिए इसे, ए का उच्चारण क्या क्या होता है। अब COMPANY में यानी कंपनी में एक ए का उच्चारण क्या, सिर्फ ए पे फोकस कर रहे हैं अभी हम, तो ए का उच्चारण जो अ के रूप में हुआ, सॉल्ट में एक ही ए है, वोवल है, तो ए का उच्चारण क्या हुआ यहाँ पर, तो आ हो गया। केयर में ए का उच्चारण क्या हो रहा है भाई, तो ए हो गया। मैप में ए का उच्चारण क्या हुआ, तो ए हो गया, एकदम सिंपल है ना। परफेक्ट में दो ई है, तो पहला ई दूसरा ई, तो पहला ई का उच्चारण जो है अ के रूप में, पर दूसरा फेक्ट, पर के बाद फेक्ट हुआ, दूसरा ई का उच्चारण ए के रूप में हुआ। अब उसके बाद प्रीफिक्स में पहला ई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में, दूसरा ई का उच्चारण बड़ी के रूप में कर सकते हैं। टेन में ई का उच्चारण जो है ए के रूप में ही होता है। अब आई वाला देखते हैं, सर में आई का उच्चारण क्या हुआ, तो आ के रूप में। फिग में आई का उच्चारण क्या हुआ, तो छोटी के रूप में। और टीन में आई का उच्चारण हुआ बड़ी के रूप में। उसके बाद लाइन में आई का उच्चारण क्या हुआ, तो आई के रूप में लाइन। अब देखिए सन में ओ का उच्चारण क्या हुआ, तो ओ आ के रूप में। सन आउट में ओ का उच्चारण क्या हुआ, तो आ के रूप में। और मून में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ, तो ऊ के रूप में। लोन में ओ का उच्चारण क्या हुआ, तो ओ के रूप में। अब ब्यूटी बट में यू का उच्चारण क्या हुआ, तो ब्यूटी बट में यू का उच्चारण आ के रूप में हुआ। फूट में यू का उच्चारण हुआ ऊ के रूप में। ट्यून में यू का उच्चारण हुआ ई यू के रूप में। अब देखिए डबल वाला में, तो एफ एल डब्ल्यू डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण हुआ आ के रूप में, और एल डब्ल्यू के लुक में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हुआ। तो इस तरह से आपको पुराने पुराने वर्ड मीनिंग्स पे प्रैक्टिस करने होंगे। तो अगर आप 100-200 वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं जिसका उच्चारण आप पहले जानते हैं, तो बाकी में उसको आपको पढ़ने आ जाएगा अंग्रेजी, जी हाँ। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, बताइए वीडियो कैसे लगा, अच्छा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाने वाले वीडियो के लिए। दोस्तों प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करना ना भूले हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए। और दोस्तों यहाँ कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों कहिए, और प्ले लिस्ट का लिंक है यहाँ पर दोस्तों। तो इस वीडियो में ये तक दोस्तों, धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग, मिलते हैं क्लिप में, ध्यान रखिए, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स वॉचिंग, धन्यवाद।